दोस्तों इन्फिनिक्स बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है इन्फिनिक्स नोट 35G फोन पे काफी अच्छे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने वाला है। ये फोन का लॉन्च डेट भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, 14 जून को ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो आज मैं ये फोन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये फोन में क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला और किस प्राइस के साथ ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप ये फोन के बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा इन्फिनिक्स नोट 35G फोन में। तो सबसे पहले ये फोन का डिस्प्ले से शुरू करते हैं। ये फोन में जो डिस्प्ले साइज होने वाला है 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया जाएगा। ये फोन में नॉच देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा पांच होल होने वाला सेंटर में। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होने वाला है, तो डिस्प्ले यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा। ये फोन का कैमरा का बात करें तो ये फोन में कैमरा भी काफी बढ़िया होने वाला है। इसमें ट्रिपल लेयर कैमरा दिया जाएगा, जो प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा, और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा, और जो टार्ट कैमरा होगा 0.8 मेगापिक्सल का बोके मोड के लिए दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो 16 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, तो कैमरा भी यहाँ पे ठीक ठाक होने वाला है। ये फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन में मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जाएगा। सबसे पहले इंडिया में इसी फोन में ये प्रोसेसर दिया जा रहा है, इस प्रोसेसर के साथ ये सबसे पहला फोन होगा जो इंडिया में लॉन्च होगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली जी 57MC2 जीपीयू मिल जाता है। ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। ये फोन में परफॉर्मेंस ऐसे ही मिलेगा जो पुराना प्रोसेसर डायमेंसिटी का है, डायमेंसिटी 810 जो प्रोसेसर है उसी प्रोसेसर का ये रिब्रांडेड है। यही प्रोसेसर आपको ऐसी परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ठीक ठाक होने वाला है। फोन का ओएस यूजर इंटरफेस का बात करें तो ये फोन में एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, साथ में XOS 13 दिया जाएगा। वरन का बात करें तो ये फोन एक ही वरन पर लॉन्च होगा, 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ऐसे लीक्स के थ्रू पता चला, ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ, हो सकता है इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और एक वारंट भी दिया जाए। ये फोन में मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। ये फोन का बैटरी का बात करें तो 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा, और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 45W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसमें रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, और जो प्रो फोन होगा इसमें वायरलेस चार्जिंग, ग्लोबली जो प्रो फोन लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो फोन लॉन्च हुआ, वायरलेस चार्जिंग दिया गया और रिवर्स चार्जिंग भी दिया गया वायरलेसली। तो इंडिया में हो सकता है इसमें जो फोन आएगा इन्फिनिक्स नोट 12 34 इसमें वायरलेस चार्जिंग दिया जाए, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर वायरलेस चार्जिंग दिया जाए तो ये 15W की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा। ये फोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। यूएसबी कनेक्टर का बात करें तो यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 होने वाला है, 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया जाएगा। सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो ये फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, और फेस अनलॉक भी दिया जाएगा। बिल क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो ये फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन होने वाला है, एक ग्लासी फिनिशिंग बैक देखने को मिल जाएगा, अलग अलग कलर पे ये फोन आने वाला है, काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन देखने को मिलेगा। ये बॉक्सी टाइप फोन होने वाला है, तो डिजाइन पर यह पे कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, काफी अच्छा बढ़िया शानदार डिजाइन होने वाला है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आने वाला है। ये फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और जो 5G बैंड्स होगा ये 14 5G बैंड्स देखने को मिलेगा सपोर्ट, 14 5G बैंड्स सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आने वाला है। ये फोन का लॉन्च डेट का बात करें तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 14 जून को, ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 14
जून को ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ये फोन का प्राइस का बात करें तो ये फोन का प्राइस अभी कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि ये फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये तक कंफर्म प्राइस पता चलेगा 14 जून को। तो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। मुझे ज्यादा लग रहा है ये फोन का जो बेस्ट वेरियंट होगा एक ही वेरियंट पर आएगा, 8GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, या फिर हो सकता है 8GB RAM 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ जाए। जो भी वेरियंट के साथ आए ये फोन का प्राइस होने वाला है 15,999 रुपीज पर मिल जाएगा। 16,000 रुपीज पर आपको पहला वेरियंट देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें दूसरा वेरियंट दिया जाए तो ये 17,000 तक जा सकता है। तो इस प्राइस रेंज पर आपको ये 15,000 to 20,000 का अंदर ये फोन देखने को मिलेगा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। जो प्राइस पर ये फोन लॉन्च किया जाएगा इस प्राइस रेंज पर ये जो फीचर दिया गया ये इसी फोन में देखने को मिलेगा, दूसरा किसी भी फोन में ऐसे फीचर देखने को नहीं मिलेगा जो प्राइस दिया जाएगा इस प्राइस रेंज पर। ये काफी अच्छा बढ़िया फोन होने वाला है। ये फोन में बड़ी स्पेसिफिकेशन आपको तगड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको ये फोन कैसे लगा, क्या आप इस फोन के लिए वेट करें, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जब ये फोन 14 जून को लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च होने के बाद फिर से मैं अपडेट कर दूंगा इसी फोन का बारे में, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइट पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी डालूंगा आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो पर खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।